सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑर्निथिन साइकिल या क्रैब्स हैंसलेट साइकिल। इसमें जैसे कि आपको पता है कि इसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो आज हम सभी मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। सो यूरिया का फॉर्मेशन हमारे लिवर में होता है। लिवर में ऑर्निथिन प्रेजेंट होता है। ऑर्निथिन हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें प्रेजेंट होता है। सो इसमें मेनली क्या होता है कि लिवर में हमारा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि CO2 और अमोनिया दोनों साथ मिलके हमारा जो है कार्बेमाइल फॉस्फेट बनाते हैं। तो ये कार्बेमाइल फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में। किसके साथ मिलके? ऑर्निथिन के साथ मिलके कार्बेमाइल फॉस्फेट सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बेमाइल फॉस्फेट जो है 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस एन अमोनिया से रिएक्ट कन्वर्ट होने पर। अब ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आकर साइटोसोल में आता है। अब साइटोसोल में आने के बाद सिट्रुलिन क्या करता है, ये आर्जिनो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनो सक्सीनेट जो है सिट्रुलिन से कन्वर्ट होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? एस्पार्टेट की प्रेजेंस में। और इसमें क्या होता है कि ATP से इसमें क्या बनता है, AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP से क्या बनता है, AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और किस में चेंज हो जाता है, आर्जिनो सक्सीनेट में। अब ये आर्जिनो सक्सीनेट फ्यूमेरेट की प्रेजेंस में आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये सारी प्रोसेस हमारी ये कहाँ पर चल रही है, ये हमारी प्रोसेस चल रही है साइटोसोल में। अब क्या होगा बच्चों, ये आर्जिनिन जो है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा ऑर्निथिन में। अब ये जो आर्जिनिन से, सुनना ध्यान से, आर्जिनिन से जो ऑर्निथिन बनता है इसी प्रोसेस में क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन। अब ये जो ऑर्निथिन बना है साइटोसोल में, अब ये क्या करेगा, दोबारा ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अब ये दोबारा प्रोसेस हो जाएगी। दोबारा प्रोसेस कैसे होगी, दोबारा बताती हूँ मैं। अब ये ऑर्निथिन साइटोसोल से दोबारा चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऑर्निथिन दोबारा कार्बेमाइल फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा। फिर दोबारा क्या करेगा, ये दोनों करके क्या करेंगे, सिट्रुलिन बनाएंगे। सिट्रुलिन आएगा साइटोसोल में। साइटोसोल में सिट्रुलिन आने के बाद क्या करेगा, एस्पार्टेट के प्रेजेंस में आर्जिनो सक्सीनेट बनाएगा। और इसमें क्या होता है, ATP से AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। अब आर्जिनो सक्सीनेट क्या होगा, फ्यूमेरेट के प्रेजेंस में बच्चों आर्जिनिन बनाएगा। अभी आर्जिनिन से फिर दोबारा ऑर्निथिन बनेगा। अब आर्जिनिन से जो ऑर्निथिन बनता है इसी बीच में क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होने के बाद ये ऑर्निथिन दोबारा चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल या क्रैब्स हैंसलेट साइकिल। इसी में क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझिए, एकदम राइट कंटेंट है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।